अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले सुनो भाई, अभी जो बस आने वाली है वो किस तरफ जाने वाली है? बेट द्वारका जाएगी। बेट द्वारका ही चले जाना ठीक होगा मेरा, यहाँ से दूर कोई पता नहीं कर पाएगा। संतु भले ही लाख छुपाने की कोशिश की हो, पर मैं समझती हूँ मालिक अगर मेरी और हितेन की लगन के लिए तैयार हुए हैं, तो अपने और संतु के संबंध की कीमत पर अगर धर्मपुर गई तो संतु मेरी और हितेन की लगन के लिए मालिक से छूटा छेड़ा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेगी, और अगर जामखंभालिया गई तो हितेन वहां पहुंच जाएगा, और अगर हितेन एक बार सामने आ गया तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी, अपनी बहन की भविष्य को बचा नहीं पाऊंगी। मेरा यहां से जाना ठीक होगा, वही जरूरी है।
माफ करना कांजी काका, आपसे झूठ बोला कि धर्मपुर जा रही हूँ, पर मेरा धर्म मुझे यही कहता है कि किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन का भविष्य बचा सकूं। बैला ने मुझसे कहा था कि वो गोकुलाष्टमी तक यहाँ आ जाएंगी, पर वो अब तक आए क्यों नहीं? अरे ये तूफान कैसे शुरू हो गया? ये तूफान कैसे शुरू हो गया? पता नहीं बहना कहाँ रह गई, नाम उत्सव भी खत्म हो गया, पर बहना अब तक यहाँ पहुंची नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहना नाना जी के यहाँ ही सीधे चली गई? लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं। तू यहाँ? हाँ नाना जी, बहना ने मुझसे कहा था कि वो जन्माष्टमी के उत्सव के लिए वहाँ आएगी, पर बहना अब तक वहाँ नहीं पहुंची, तो मैंने सोचा कि कहीं बहना घर नहीं आ गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहना जाम खंभरिया से नहीं निकली? नहीं नहीं, वहाँ से तो वो सुबह निकल गई है। क्या? हाँ, कांजी ने मुझे फोन किया था, उसी ने बताया, और इस हिसाब से तो दोपहर तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मेरा अनुभव कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि बहना को बस ना मिली हो या फिर रास्ते में ही खराब हो गई हो, बहना बस पहुंचती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसने तय कर लिया है कि वो यहाँ नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे नाना जी? अगर उसे धर्मपुर आना होता तो उस दिन तेरे साथ ही चली आती, तभी उसने तुझसे बहाना बनाया खेती बाड़ी का और वहीं रुक गई। हमारे भाग्य के साथ क्या हो रहा है? जब मालिक खुद खेमे बिना रितेन भाई का लगन करवाने के लिए तैयार हो गए, तो फिर बहना क्यों हमसे दूर चली गई? भाग्य का तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि अपना भाग्य बनाने के बदले वो तेरे भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जैसे तूने मालिक को छुट्टा छेड़ा दे करके उसकी खुशी के बारे में सोचा, उसी तरह खेमी भी तेरे बारे में सोचते हुए सब कुछ छोड़ के चली गई। खेमी बागी तो हो सकती है, लेकिन स्वार्थी नहीं। पर नाना जी, हम केमी बहना को कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश तो हम करेंगे उसे ढूंढने की, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्या अब वो क्या नहीं आएगी, वो हमें नहीं मिलेगी। बस मेरी खुड़ियार माँ से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी रहे सुखी रहे, ठीक से रहे। Thank you.
देख संतुड़ी, वैसे तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता तुझे रोकना टोकना, क्योंकि नानका आते ही तू तो इस घर से निकल जाएगी। लेकिन जब तक तू इस घर में है, मुझे पसंद नहीं है इतनी रात के तेरा आना जाना। कहाँ से आ रही है? पिनबा, मैं नाना जी के यहाँ गई थी। मैं ना आज शाम खंबाड़िया से घर आने वाली थी। तो क्या हुआ, पहुंची तेरे नाना के घर या नहीं? मैंने शाम खंबाड़िया से निकली पर अब तक घर नहीं पहुंची। क्या मतलब है अभी तक नहीं पहुंची? भाग गई वापस बिना बताए? हे भगवान, तेरे बुड्ढे पे तरस आता है मुझे कभी कभी। एक दो इत्री का छुट्टा छेड़ा हो रहा है, दूसरी भाग गई बदनामों के, अब तीसरी की बारी है। पता नहीं तेरे बुड्ढे ने क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में इस उम्र में तुम लोगों से पाला पड़ गया उसका। चल अवे चल, अंदर चल। लगता है किस्मत का चक्का पूरी तरह मेरी ओर घूम गया है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। पहले संतूरी का छुट्टा छेड़ा लेना, फिर नानका का खुद मान जाना, और अब उस खेमी का भाग जाना। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये सही मौका है हितेन का लगन सोमिल भाई की बेटी से करवाने का। हेलो, जय श्री कृष्ण। सोमिल भाई, तरुबेन बोलू छू। तरुबेन, जय श्री कृष्ण। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आई एम रियली सॉरी, जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया। दरअसल मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो तोरल को ही भेज देते। आप ठीक कह रही हैं, मगर वो अपने सहेली के साथ पिकनिक चली गई। अच्छा अच्छा, तो अब ले आइए तोरल को यहाँ। सोमिल भाई, सीधे मुद्दे पे ही बात करती हूँ, मुझे आपसे एक विषय में बात करनी है। जी तरुबेन, कहिए ना। वो नानका की बड़ी इच्छा थी कि हितेन और तोरल का रिश्ता हो। जी हाँ, हम चाहते हैं कि तोरल महियावंशी परिवार का हिस्सा बने। मतलब अगर आप ठीक समझते हैं तो बैठ के इस विषय पे बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं तरुबेन, ये आप क्या कह रही हैं? धर्मराज महियावंशी के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले हितेन और तोरल एक दूसरे से आपस में मिल लें। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार तोरल को हमारे यहाँ लेके आइए। बस हितेन और तोरल एक दूसरे को देख लेंगे, मिल लेंगे, उसके बाद आप तोरल से हितेन के बारे में पूछ लेना। ठीक है तरुबेन, तो फिर मैं कल शाम को ही तोरल को लेके आपके यहाँ आ जाता हूँ। आगे श्रीनाथ जी की जो भी मर्जी होगी। जय श्री कृष्ण तरुबेन। जय श्री कृष्ण। ये तोरल है ना, ये माहियावंशी परिवार और हितेन के लिए लायक है ना संतुड़ी? नहीं तो एक तुम्हारी बेना भागम भाग एक्सप्रेस। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण हितेन। खेमी से मिलने आए हो, पर वो तो मैं जानता हूं वो नहीं है नाना जी। धर्मपुर के मालिक ने फिर से अपने लोगों के साथ झूठा बात किया। मैं एंटवर्प जा रहा हूं 10-12 दिन के लिए। पाछो आविस ने तो तेरा लगन करा दूंगा खेमी। पर मैं आपसे और मुंगी से मिलने आया नाना जी। घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि हितेन भाई
हितेन भाई आप कैसे हो? ये ले मुंगी, ये तेरे लिए लाया हूँ। तुझे पालक का साग बहुत पसंद है ना? वाह हितेन भाई, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने इतने दिनों से ये साग नहीं खाया। जब खेमी बहन आती वो बना के खिलाती थी, लेकिन अब तो वो खेमी बहन ही नहीं है तो क्या हुआ? तेरा ये हितेन भाई है ना? ये आपकी दवाई है नाना जी। मैंने सोचा कि पुरानी दवाई खत्म हो गई, इसलिए ले आया। नितिन बेटा, इस बूढ़े आदमी के लिए क्यों इतना परेशान होते हो? क्यों करते हो ये सब? करने दीजिए नाना जी, वरना मैं उसे कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैंने वादा किया कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। बेनबा, क्या है? दादी जा रही है। जा रही है? चलो अच्छा है, जा पार्सल छोड़ के आ जा। बेनबा, जाने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है, जा जाके बोल दे, जा। तरुमेन, ए तरुमेन। आजो। हेमा मालिनी धर्मिंदर को पुकारती है ना, ऐसे पुकार रही है मुझे। हेलो, आचे तरुबेन। हाँ बोलो। आपके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। मैं बेनबा नहीं हूँ दादी, बेनबा तो इधर है। बहुत अच्छा उत्सव था, बहुत मजा आई, बड़ी खुशी मिली। आया ना, अभी यहाँ दोबारा नहीं आना। केवी बात करो छो तमे बोला वो अने हूँ ना आवो, जरूर आएगी मैं। ए बाहर जाने का रास्ता उधर है। रास्ता मैंने कर लिया, अब मैं चलती हूँ। चल चंपा कली। जय श्री कृष्णा। चलो दादी, चलो चल चंपा कली, चल। हाँ, चलो चलो आराम से चलो। हाँ, चलो 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 चलो। यहाँ पे क्यों भेजता है सारे के सारे? अरे ये क्या, ये बुढ़िया सामान भूल गई? जा जा जाके देख क्या, नहीं तो वापस आएगी वो। नहीं बेनबा, ये मेरा सामान है, जा रही हूँ मैं। चौंकिए मत, मैंने सोचा था यहाँ रहूंगी तो अपने भाई की नाइंसाफी का बदला लूंगी, उसके बारे में सबको सच बताऊंगी। पर जब देखा कि वही इस राज को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, तो मैं ऐसा क्यों करूं? वो राज अपने साथ लेकर जा रही हूँ बेनबा। जय रामदलमा। तरुफ़ई, ये कौन से राज की बात कर रही थी? वो बेटा हितेन और खेमी, उनके बारे में मतलब। छोड़ना वो, तुझे कारखाने जाना होगा ना, देरी हो रही होगी। चल मैं नाश्ता लगाती हूँ। हितेन भाई और खेमी की बात तो पूरा गांव जानता है, तो उसमें राज या बदनामी का कोई सवाल ही नहीं है। फिर ये कौन सा राज है और तरुफ़ई ने मुझसे झूठ क्यों कहा?